आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। और परेश जी, मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, सेशन की रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लें। साथ में ये क्लासेस यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। क्या सर? अरे चलिए, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे सर? नहीं, मैंने बोला रिकॉर्डिंग ऑन किया, मैंने बोला। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करते हैं एक्सेल कैलकुलेशंस की, मतलब कि एक्सेल फॉर्मूले की, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थोड़ा सा बेसिक लेके चलूंगा, जहां तक मुझे आइडिया है। आपको थोड़ी सी दिक्कत है एक्सेल में, तो बेसिक लेके ही चलूंगा। ठीक है सर। सबसे पहले मान लीजिए कि आप अगर एक टेबल बनाते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, कब कहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे सिंपल से एक टेबल को बनाया, नेम यहाँ पे मान लीजिए कि सिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, एमआरपी कर देते हैं, एमआरपी, और यहाँ पे हमने दे दिया अमाउंट। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ जीएसटी, फिर यहाँ पे देता हूँ मैं कमीशंस, फिर टोटल, राइट। तो इसकी डेटा एंट्री हमें करनी है। तो अभी क्या है कि जैसे कि मैं उनको डेटा एंट्री किया पूजा, और सिटी मान लीजिए मैंने दिया दिल्ली, तो क्वांटिटी आता है, तो क्वांटिटी मैंने 60 दे दिया, 60 पीस मान लीजिए कि अगर 95 रुपीज़ के हिसाब से बिका है, तो अमाउंट कितना होगा। यहाँ पे आपको खुद से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एम आर पी को सिलेक्ट करके एंटर मार दीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके। उसके बाद मुझे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी निकालने का लिए हमें क्या करना, परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 500 का 10% चाहिए, तो अगर आपने 10 लिखा हुआ है तो दिक्कत होगी, आपको यहाँ पे 10% करना होगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे जीएसटी चाहिए, तो जीएसटी मान लीजिए 18% है, तो मैंने इक्वल किया, उस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही इसका एड्रेस आ जाएगा, या फिर की के एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे कर दिया 18 और परसेंट का सिंबल दे दिया, यहाँ पे आपका 18% आ जाएगा। ओके। मुझे मान लीजिए मुझे अमाउंट का कमीशन निकालना है 2%, तो मैं यहाँ पे सेम इसको सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2% कमीशन, 2%, तो रिजल्ट हमारे पास है। अब मुझे इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे टोटल निकालना है, सम करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला सम ले सकते हैं कि सम, और हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे सम आ गया। या दूसरा तरीका था कि आप एक एक करके प्लस भी कर सकते थे, इस पर प्लस इसको सेलेक्ट किया, प्लस इसको सेलेक्ट किया। ओके। तो इनबिल्ट फॉर्मूला में क्या होगा कि लगाने में सिंपल होगा, अगर मान लीजिए कि 1-2 है तो चलिए आप डबल प्लस कर लोगे, लेकिन जहां पे ज्यादा होगा 100-150-200 होगा, तो वहां पे सम ही यहां पे अफेक्ट करेगा। अब दूसरी बात ये आती है, मान लीजिए मुझे इसमें जीएसटी को सम नहीं करना है, मुझे इसको और इसको सम करना है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना कि आपके डेटा में इस तरह से आपके डेटा डले हुए हैं, बराबर, तो आपको सबको सम नहीं करना, कुछ को सम करना। क्या, तो इसके लिए जैसे आप इसको कर सकते हैं प्लस साइन, यहाँ प्लस, और जहां जहां क्लिक करते चले जाइए सम हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करूं और सम करते जाऊं कॉमा के साथ, कॉमा कॉमा, या कि आप इसमें पूरा रेंज नहीं लेंगे, अगर आपने सम करते समय अगर आपने पूरा रेंज ले लिया, तो यहाँ जैसे पूरा ले लिया, E2 से G2 ले लिया, आपने देखा E2 से G2 हो गया, तो E2 से G2 इसमें कोई स्किप नहीं होगा। मल्टीपल से सम करेंगे तो इसमें आप कॉमा से करेंगे, ठीक है ना, और क्लिक करते चले जाएंगे। मतलब कॉमा हमें मैन्युअली डालना है क्या, अपने आप आएगा? हाँ मैन्युअली डालना है, आपको अपने आप नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। हुँ. तो यहाँ पे आपको कॉमा मैनुअली डालना है।
अब बात करते हैं किसी का परसेंटेज निकालना, जैसे कि मान लीजिए कि 7858 हमारे पास आया है 1000 में से, तो कितना परसेंट है? तो उसके लिए सिंपल जो है, जो आया है उसको डिवाइड कर लीजिए जिसमें से आया है, मतलब कि मार्क्स इतना लगा है और टोटल मार्क्स क्या है, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा 78%। इसमें परसेंट का सिंबल अप्लाई कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। ओके सर, ओके। ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन की बात हो गई, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा हमारे पास भी इनबिल्ट फंक्शन है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि तो फिर नीचे एंट्री करूंगा तो फिर दोबारा फॉर्मूला मुझे लगाना नहीं है, तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके या फिर इसी को यहाँ माउस पॉइंटर से ही ड्रैग कर देता हूँ इसी के द्वारा। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं लिख दिया नीतू और हमने यहाँ पे चुने कर दिया और यहाँ पे 78 और 65 रुपीज से बिका है, तो कैलकुलेशन आ गया। दोबारा फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंट्री करते आ गया नहीं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जीरो आ रहा है, डिफॉल्ट जीरो आ रहा है, मुझे यहाँ पे शो करना है क्या? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंट्री करता हूँ तो नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ नीचे तक जो है जीरो जीरो आएगा, मैं चाहता हूँ ना, लेकिन फॉर्मूला रखना हो, क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, मान लीजिए जीरो हटाने के चक्कर में मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, अब मैं यहाँ कुछ बराबर यहाँ आएगा नहीं, राइट। तो उसके दो तरीके हैं, पहली तरीका ये है कि आप जो है इसको सेलेक्ट करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो, इंसर्ट फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, इंसर्ट नहीं, होम पे ही था, फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें क्या कर दो, करने के बाद अब टेबल में कन्वर्ट हो गया आपका। अब मैं जैसे यहाँ करूँगा कविता और एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला यहाँ नीचे लग गया, बराबर, ठीक है, और यहाँ दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तब दिक्कत होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग करना पड़ेगा, आपको जितना ड्रैग करेंगे वहां पर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, मान लीजिए इसी को मैं कॉपी कर, इसी को मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर लिया, तो आ गया, लेकिन कई केसेस में नहीं आता, इस तरह से आ जाएगा आपको, तो उस केस में आप यहाँ सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करके फॉर्मूला आपने आता है। और जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था आपको कि फॉर्मेट में जो टेबल लगाने से थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाना चाहते, तो कुछ बेनिफिट्स हम आपको बताइए कि हर एक चीज़ का बेनिफिट होता है, तो ट्रेवल भी होती है उससे, तो टेबल और यहाँ पे टेबल डिजाइन पे क्लिक करके कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल रेंज बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कि यहाँ पे जीरो आता है, मुझे यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए, मैं okay. जीरो नहीं चाहता, तो उसको हम फिर फॉर्मूला से हटाएंगे और इसके लिए हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में हम यहाँ पे देंगे इफ, ये जो कैलकुलेशन है जो हमने कैलकुलेशन कर रखा है उससे पहले हम कर्सर को यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर क्वान्टिटी इज इक्वल टू जीरो दैट इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड वन, कि हमने इस कैलकुलेशन को इफ फॉर्मूले के अंदर में रख दिया जो आपके सामने दिख रहा है ऊपर यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले में हमने रख दिया कि क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ, यहाँ देखिए कि इफ अगर C6 की वैल्यू जीरो, जीरो क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैंक सेल जीरो होता है, बराबर ब्लैंक है तो जीरो होता है, तो अगर ब्लैंक सेल इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे आ जाए ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हमने कर दिया, मतलब कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लिया और हमने कुछ दिखा नहीं, मतलब कि टेक्स्ट है, है सर? हाँ, तो ये हमारा टेक्स्ट है, तो मतलब कि यहाँ पे okay. हो जाएगा आपका। फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो नीचे देखिए आपके सामने, बट यहाँ पे एरर आ गया कि मुझे सारे फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा ये चीज, है सर? तो यहाँ पे वापस लगाया इफ का फॉर्मूला, इफ
हमने बोला कि सामने वाली या क्वांटिटी अगर इक्वल टू जीरो है तो ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगर नहीं है तो कैलकुलेशन करें। तो इसके पास तीन इसमें तीन इनपुट देते हैं, पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है मतलब कि कंडीशन, फिर दूसरा होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, मतलब जो कंडीशन में लगाया है इसका रिजल्ट अगर ट्रू आया मतलब कि इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या होगा, अगर इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे सिंगल सी कंडीशन है, सी सिक्स अगर जीरो है तो ब्लैंक कर दो, नहीं है तो 18% निकाल दो, ठीक है। इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ हम सेम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ, और बोलेंगे कि अगर सी सिक्स इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक करो, अदरवाइज कैलकुलेट करो, और सम को भी सेम हम करेंगे कि इफ अगर सी सिक्स इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक करो, नहीं है तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग। अब यहाँ देखिए, अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा इसने लिख दिया ओम, तो बोला ये नोएडा से है और इसने 74 क्वांटिटी 10 रुपीज के हिसाब से लिया है, और यहाँ देखिए कैलकुलेशन आ गया। तो इसमें आपने एक तो सीखा कि कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, प्लस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, ये चीज सीख लिया आपने। दूसरा आपने सम फॉर्मूले को सीखा कि किसी रेंज को सम कैसे करते हैं, और तीसरा आपने सीखा कि इफ फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, और इफ फॉर्मूला क्यों लगाते हैं कि अगर कोई एक कंडीशंस के ऊपर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैलकुलेट हो, अदरवाइज कैलकुलेट ना हो, इस केस में हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ओके ठीक है, और फॉर्मूले जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए सबसे हाई, तो मैं यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे इसमें मैक्सिमम नंबर निकल जाएंगे। जैसे कि आप क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा किसका सेल हुआ है, हाँ राइट, तो मैक्स से आपका सिलेक्टेड एरिया का मैक्स निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारा मिन का, जो कि मिनिमम निकालता है कि सबसे कम कौन सा है। ओके और तीसरा हमारे पास एक एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज जो बताता है कि सिलेक्टेड एरिया में सिलेक्टेड एरिया का एवरेज क्या है, सम ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय, जैसे हुआ ना कि आपको आपने देखा कि भाई सबसे हाईएस्ट सेल क्या था, सबसे लोएस्ट सेल क्या था, दो चीज होती है आपकी, दूसरी किस पे हुआ क्लोज किस पे हुआ, चार होती है बराबर। तो ओपन और क्लोज के लिए सिंपल आप देख लोगे भाई सबसे पहला दिस इज द ओपन, और क्लोज के लिए सबसे लास्ट दिस इज द क्लोज, क्या फिक्स होता है। लेकिन एक एवरेज भी तो होता है कि उसका एवरेज सेल्स क्या रहा आज, मतलब किसी से किसी अगर आप किसी इसको लेते हैं क्या बोलते हैं किसी एक नंबर पे लेते हैं तो उसे बताया जाता है। जैसे कि सर आप शेयर बैंक में डील करते हैं ना, हाँ सर इसका यस बैंक का क्या स्थिति है, यस बैंक सर खराब है बहुत, यस बैंक का शेयर का ये हो गया ना सर, इस बैंक का सर फंडामेंटल अच्छा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा नहीं ये बेसिकली क्या था कि मैंने 12 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे थे सर, अब स्टॉक वाला ऐप यूज करता हूँ मैं, इसके हमने इसमें जो था इसमें हमने 200 शेयर कर देते, यस बैंक के, यस बैंक, तो हमने जब ये 36 रुपए समथिंग गया, नहीं 36 नहीं सर 36 हाँ 36 रुपए समथिंग में मैंने 50 बेचे हैं। ओके उसके बाद एक और बड़ा है, एक आई थिंक 55 भी गया है सर, 55 से मुझे आया है जो मैंने ब्रोकिंग चार्ज कट के उसकी बात कर रहा हूँ,
₹55 मैंने बेची है, 100 पड़ा हुआ है, कुछ दिन पहले देखा था ₹26 थी। बराबर। कभी कभी शेयर मार्केट में जब टाइम रहता है ना तो थोड़ा सा है तो मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। अभी नीचे है ना बहुत, ₹26 है सर, हाँ ₹26 है। आपका लेकिन अभी अभी पैसा डालने का टाइम है अभी। मैं सोच रहा हूँ कुछ और खरीदूँ ना। हाँ अच्छे स्टॉक्स, फ्रंटलाइन खरीदने के। फ्रंटलाइन, फ्रंटलाइन क्या होता है? फ्रंटलाइन मतलब ब्लू चिप्स, निफ्टी के 50 रहते हैं ना, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में से 30 स्टॉक्स जो सेंसेक्स रहता है ना, वो सेंसेक्स से जो बना हुआ है वो। अब यस बैंक 24.10 पैसे पे ओके। अभी 100 से, लेकिन उसमें सर यस बैंक में 20% ही बेच सकते हैं हम। हाँ तो सर, नहीं सर, सर हम 50-50 करके बेचे हैं ना, ओके। हाँ हाँ वो डेट में बेचा है, 200 शेयर था हमारा, उसमें से 50 हमने बेचा, फिर वापस 50 बेचा, और इसके बेचने के बीच में गैप था, 5-7 दिन का गैप था। ओके। और 50 भी मैंने बेचा तो एक साथ नहीं बेचा है सर, धीरे धीरे बेचा क्या? हाँ छोटे छोटे में 10-15 10-15 जैसे रेट बढ़ रहा था ना उस पर बेच रहा था। ओके। जैसे कि मेरा आइडिया क्या है कि मैं अगर शेयर बेचता हूँ ना सर, तो ऑफर में आप लोग डालते हैं ना कि भाई के चीप के तो बिक जाए, तो मैं 3-4 रेट में डाल देता हूँ सर। ओके। जैसे कि मैंने अगर 50 शेयर मुझे बेचना है तो मैं क्या करूँगा, 10 शेयर में डाल दूंगा ₹4 के हिसाब से, मैं 10 शेयर डाल दूंगा मैं ₹15 के हिसाब से, फिर मैं 10 शेयर डाल दूंगा ₹20 के हिसाब से, बराबर, फिर वापस मैं डाल दूंगा आपका 10 शेयर ₹25 के हिसाब से। तो होता है क्या, ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने सारे शेयर ₹4 के हिसाब से डाल दिए, तो आप ₹4 के हिसाब से बिकेगा ना, ऐसे कंट्रीब्यूशन में डालेंगे। हालांकि एक अमाउंट का भी एक लिमिट होता है ना सर, शायद हम लोग ज्यादा डाल बराबर नहीं करता है, बराबर बराबर। तो ऐसा से मैं टुकड़ों में मैं ये ऑर्डर डालता हूँ ताकि और बिके तो फायदा उसी हिसाब से। और दूसरी चीज है कि अगर प्राइस नहीं छुआ तो ना बिका, तो ना बिकने वाला ये बात ना हो, कुछ तो बिक जाए। ओके, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। हाँ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है सर। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ₹500 से सर, 3 साल। हाँ क्या? ओके। अभी जो मेरा वर्किंग कैपिटल है 75,000। अरे वाह अच्छा है ना। आप सिर्फ कैश के स्टॉक्स लेते हो क्या? हाँ मैंने ₹500 का पहले शुरुआत में जब डीमैट अकाउंट आप स्टॉक पे खोला था तो ₹500 मैंने इन्वेस्ट किया था, ओनली टू 500। ओके। 500 में पे कुछ कुछ घटा ऊपर नीचे होता गया होता गया, मैंने इसमें से पैसा विथड्रॉ नहीं किया सर, मैंने इस पैसा अकाउंट पे नहीं भेजा, अकाउंट पे ही छोड़ दिया और शेयर खरीदते रहा बेचते रहा खरीदते रहा बेचते रहा, कैश मैंने विड्रॉ नहीं किया। तो 3 सालों में 25,000 के आसपास, अभी तो थोड़ा देर पहले देखा हूँ उसको आया। और दूसरी चीज है कि मैं बहुत वेट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा वर्किंग कैपिटल तो 500 का ही ना, मुझे डर नहीं रहता है कि डूब गया ₹500 का लगाया। रिस्क कम लेता हूँ और पेशेंस रखता हूँ, मुझे पता है कि कोई शेयर नीचे गया है तो ऊपर उठेगा, आज भी उठेगा, 1-1.5 साल बाद तो उठेगा ही। वो तो है, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे स्टॉक्स के भाव वापस आ जाते। हाँ जैसे कि मैं अच्छे स्टॉक लगाता हूँ, जैसे मैंने आइडिया का परचेज कर रखा है, आइडिया बोला मनाया करती है, उसका परचेज किया है, ओवरसीज बैंक का परचेज कर रखा है, इंडियन बैंक का परचेज कर रखा है, स्टेट बैंक का परचेज कर रखा है। बैंकिंग सेक्टर में लगाने से फायदा क्या होता है कि सर रिस्क कम होता है। बैंकिंग सेक्टर में डूबे ऐसे यस बैंक डूब रहा था तो गवर्नमेंट ने बचा लिया, अब इसका प्राइस 10-12 से लेके 55 तो गया है सर, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा इसका।
बैंकिंग तो अभी बहुत नीचे आया, लेकिन पीछे है लेकिन आगे तो बढ़ेगा, डूबने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि डूब जाए, नहीं उसको नहीं टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो उसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, फिर मैंने हर इंडस्ट्री में से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़े थोड़े अमाउंट में। चलिए तो वापस चलते हैं, और आप वो सब माहिर हैं हमारे ऐसे स्टॉक मार्केट में, आप अपने लिए करते हैं कि क्लाइंट के लिए करते हैं? नहीं मेरा सर क्लाइंट के लिए, मेरे लिए भी है क्लाइंट के लिए भी है, हमारा सर डेरिवेटिव में होता है सब। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम करते हैं, मैक्सिमम करते हैं तो इसमें से मैक्सिमम नंबर मिनिमम करते हैं, मिनिमम नंबर आ जाता है, राइट सर? हाँ अरे जाए तीन मामला समझ गए आप क्या? अगर आपने मैक्स फॉर्म में लगाया तो इसकी मैक्सिमम हाँ दिखा देगी, हाँ मैक्सिमम लेगा वो उसकी सब में से, मैक्सिमम दे देगा। अगर आपने मिन लगाया तो आपको तो मिन, मिनिमम लेगा। और आप एवरेज चाहते हैं तो आप यहाँ हाँ एवरेज भी दे सकते हैं, ओके आपका एवरेज आ जाएगा। एक और आपको शेयर मार्केट में यूज होता है, वो होता है मीनियन, हाँ मीडियन। मीडियन मीडियन क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं आप लोग, कि कोई नंबर आखिर कितना बार रिपीट हुआ है, हाँ तो मल्टीपल टाइम रिपीट कौन सा है, 78। हम लोग हिंदी में बारंबारता, बारंबारता क्या बोलते उसको, बारंबारता बोलते थे सर स्टैटिक के, क्या बारंबारता स्टैटिक में बोलते। ओके तो मैं 10th 9th 10th में पढ़ता था, सबसे इजी ये लगता था एक क्वेश्चन, हमें जस्ट काउंट करने होते थे कौन मल्टीपल टाइम रिपीट है। तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद अभी बराबर मैक्सिमम ने आपने देखा कि हाईएस्ट आपको दे दिया, अब मान लीजिए कि आप टॉप 2 है टॉप 3 हाईएस्ट आप देखना चाहते हैं, हाँ तो उस केस में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लार्ज का, लार्ज 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 में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा हमने इसको दे दिया, पोजीशन दे दिया, तो सबसे पहले 98 शो कर दिया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा C2 से C6 है, अगर मैंने नीचे ड्रैग किया हाँ राइट C3 से C7 हो जाएगा, राइट तो उसको ड्रैग करने से पहले हमें इस पे फ्रीज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे F4 लगाऊंगा और इसको फ्रीज कर दूंगा, F4 लगाने से ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाता है, ओके फिर इसको नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, आ गया। अब यहाँ पे देखिए 72 टाइम्स है, तो ये लिस्ट में आपको दोनों दिखाएगा, ऐसे आपको सबसे लोएस्ट चाहिए तो आप स्मॉल का यूज कर सकते हैं, स्मॉल आपको बताता है कि सबसे कम सीक्वेंस वाइज कि कौन किस में है, ओके और नीचे सॉरी नीचे ड्रैग करने से पहले फिर हमें फ्रीज करना पड़ेगा। ये सर फ्रीज क्यों करते हैं हम? चलिए इसी को समझाते हैं कि फ्रीज क्यों करते हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं दूसरे सीट पे। जैसे कि मेरे पास एक कॉलम में हमने कुछ डेटा रखा है, हाँ मुझे हर डेटा के ऊपर 20 ऐड करना है बी कॉलम में, कि ए कॉलम के जितने भी डेटा है सब पे मुझे 20 ऐड करना है, तो हमने इसको किया प्लस 20 कर दिया, मुझे एक एक करने की जरूरत नहीं है, हम ड्रैग कर देंगे। हाँ तो ड्रैग करने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे A1 था यहाँ पे A2 हो गया, यहाँ A3 हो गया, यहाँ A4 हो गया, यहाँ A5 हो गया, राइट सर? हाँ इसे बेनिफिट क्या हुआ कि हमें हर एक सेल पे अगर मान लीजिए कि इंक्रीज नहीं होता सब में A1 भी रहता ड्रैग करने पे, तो मैन्युअली हमें 1 by 1 जाके फॉर्मूला लगाना पड़ता, बराबर तो ये बेनिफिट समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि अब मैंने जो 20 लिखा हुआ है वो हमने डी पे रख दिया, मतलब हाँ। ये पूरे रेंज को डी की डी वन की वैल्यू से ऐड करना है प्लस डी वन की वैल्यू। अब प्रॉब्लम है कि मैंने एक से तो लगा लिया लेकिन जैसे ही ड्रैग किया जैसे अभी तक देखा कि इंक्रीज हो जाता है तो हमारा ए टू हो गया, ए वन हो गया, ए डी वन भी आपका डी टू हो गया,
बराबर अब यहाँ पे दिक्कत हो गया क्योंकि यहाँ तो मुझे सेव करना था D1 से, बड़े हो गया D2, तो अब मुझे करना बराबर पड़ेगा कि वन बाय वन हर सेल में जाके, वन बाय वन हर सेल में जाके ये D20 ऐड करने पड़ेंगे क्या? D1 की ऐड करना पड़ेगा ना सर 20, बराबर बराबर तो इससे तो काफी टाइम होगा। अगर मान लीजिए 10-20 हजार है तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा ऐड करने में। बराबर तो अब मुझे मैं चाहता हूं कि जब मैं नीचे ड्रैग करूं या कॉपी पेस्ट करूं तो D1 हमारा फिक्स रहे किसी तरह। ओके तो यहां हम डॉलर का साइन लगा देते हैं और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए हमारा A1 में, A1 A2 में हमारा डॉलर साइन नहीं लगा है, बराबर तो नीचे ड्रैग किया तो A2 A3 हो गया, A4 हो गया, बराबर A5 हो गया, बट D1 में हमने डॉलर लगाया तो हुआ। अब इसमें देखिए D के आगे भी है, 1 की भी आगे है, इसकी जो समझ गए कि अगर मैं D के आगे का डॉलर हटा देता हूँ फिर भी आपका नीचे की तरफ ड्रैग करते समय आपका सब में 1 रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एड्रेस में एक हमारा कॉलम होता है, दूसरा हमारा रो होता है, एक हमारा कॉलम होता है दूसरा हमारा रो होता है, राइट ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा A3 यहाँ हमारा A4 इस तरह से हो जाता है, तो A2 लेकिन D1 सब में फिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही मैं आगे ड्रैग करूंगा तो D जो है हमारा E बन जाएगा। क्यों बन गया? क्योंकि हमने D के आगे का डॉलर नहीं लगाया होगा। तो अगर आपको रो एंड कॉलम दोनों को फिक्स करना है तो आप दोनों के आगे रो लगाए, अगर किसी एक को करना है तो एक के आगे लगाए, जैसे वन के आगे डी के आगे। तो डॉलर लगाने के लिए क्या है सर शॉर्टकट? F4। F4 अब जैसे यहां पे क्या हुआ कि मैं यहां पे लगा रहा था स्मॉल का फॉर्मूला, राइट? हाँ हाँ स्मॉल के फॉर्मूले में हमने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा इसको सेलेक्ट किया। अब नीचे, अब इसको मैं नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ ताकि दूसरे नंबर का पोजीशन पता करें, तो जो हमारा J4 है वो J5 होना चाहिए, मुझे जरूरत है J5 करने की, लेकिन बराबर हाँ देखिए क्या हुआ, C3 से C7 हो गया। दिखा सर? राइट तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया ताकि ये हमारा इंक्रीज ना हो। समझ गए डाउट में? नहीं। और इसे हाई के लिए क्या करते हैं सर, हाईएस्ट हाई के लिए? देखिए हमें हाई और लो बहुत लगता है, हमें अगर सबसे हाईएस्ट चाहिए नंबर तो मैक्स आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट नंबर दिखा दे, ओके बड़ी नंबर, और मीन नंबर सबसे छोटा नंबर, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इनमें से दूसरा सबसे हाई कौन सा है, दूसरे पोजीशन में कौन सा है, तीसरे पोजीशन में कौन सा है, तो उसके लिए आज लगाते हैं। और नीचे से बच्चों ठीक है सबसे छोटा हमारा 60 है, 60 के बाद कौन सा है, तो उसके लिए लगाते हैं, ठीक है? ओके समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो आप इफ को समझ गए, आप मैच समझ गए, मीन समझ गए, सम समझ गए, एवरेज समझ गए, राइट? तो डाउट इसमें? नहीं नहीं अब चलिए हम डेट की कैलकुलेशन पे ही बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक डेट लिखना है, मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट लिखना है, डेट तो पहले मंथ फिर डेट और करेंट ईयर का है तो एंटर मार दीजिए, प्रीवियस ईयर का है तो फिर आपको ईयर भी लिखना है, जैसे आज का डेट मुझे लिखना है तो 4/5 और मैं एंटर मार दूंगा। आ गया? ओके तो यहाँ पे भी है हुआ। अब मुझे दो डेट के बीच के डिफरेंस निकालना है, जैसे मान लीजिए कि एक तारीख से लेके आज तक की डेट में कितने नंबर ऑफ डेज हुए, तो आप बस यहाँ पे लेटेस्ट डेट को सिलेक्ट करना है, माइनस करना है ओल्डेस्ट डेट को। आ गया सर? उसी तरह से टाइम
आज मैं सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम के 8 बजे मैं ऑफिस से वापस आया। अब देखिए कैसे लिखा मैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर मुझे सुबह 10 बजे लिखना है तो यहाँ पे 10:30 में 10:30 बजे लिखना है, लिख दिया, ठीक है। लेकिन रात के 8 बजे लिखना था, अगर मैंने 8 बजे यहाँ पे लिखा एंटर मारूंगा तो ये मॉर्निंग का 8 बजे ले लेगा, तो आपको खाया तो यहाँ पीएम करना पड़ेगा, नहीं तो आप 24 घंटे का फॉर्मेट यूज कर लीजिए। फिर आप लेटेस्ट डेट यहाँ पे, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट, सॉरी लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो आपको टाइम आ जाएगा कि कितने घंटे हुए। समझ गया, सिंपल माइनस करना होता है। हाँ सर। लेकिन टाइम में लोचा है कि अगर मान लीजिए कि मैं आज आज जो है मैं 2 बजे ऑफिस गया और मैं कल जो है 6 तारीख को शाम को 9 बजे ऑफिस से वापस आया, 9 बजे मान लीजिए, तो कितना घंटे हुआ। तो याद रखिएगा डेट एंड टाइम अगर आपने इकट्ठा लिखा हुआ है तो आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम कर लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको इकट्ठा लिखना पड़ेगा और रिजल्ट आपका इस तरह से आएगा। तो इस पे आप कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ आप टाइम पे 37:30:55 लगा दीजिए, ये आपको टाइम बता देगा कि कितना घंटा हमारा काम हुआ है। समझ गए? वो 37 क्या था सर? 37 फॉर्मेट का है, 37:30:55 फॉर्मेट का नाम है। हमेशा वो लगाना है क्या? नहीं तो नहीं लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये लगा दिया, मान लीजिए कि ये लगा दिया तो ये आपको 7 PM आ रहा है ना, नहीं दिख रहा। इसको लगाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो दो डेट के बीच में आप, अब मान लीजिए दो दिन के बीच, दो डेट के बीच में मुझे महीना निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे महीने में निकालना है तो इसको अगर आप डिवाइड बाय 30 करते हैं तो आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे इसके लिए यहाँ पे आपको डेटेड इफ का फॉर्मूला, डेटेड इफ, डेट डिफरेंस बोलते हैं, और फिर स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और मुझे क्या निकालना है मंथ, तो इन्वर्टेड कॉमा में मंथ दे दीजिए, यहाँ पे आपको आ गया 3 महीना। ये महीने में आएगा, वो पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब सर जब भी इफ यूज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा ना? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के यूज करते जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा कंपनी भाई ट्रांसपोर्ट हम देंगे आपको फ्री देंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आपकी बिलिंग अमाउंट ग्रेटर देन 7,000। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर 7,000 से ऊपर है तो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, नहीं तो पेबल पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया और इसको कंडीशन दिया कि अगर एक ग्रेटर देन 7,000 है तो यहाँ पे, अब मैं पे ऐसे ले सकता क्योंकि पे एक वर्ड है, बराबर, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रेफरेंस होता है कि A1, V1, C1 या किसी सीट का नाम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ दूंगा पे, इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे फिर तो किसी भी तरह का टेक्स लिखते समय हमें इन्वर्टेड कॉमा में देना है, चाहे किसी भी फॉर्मूला में क्यों ना, मतलब कौन सा भी टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई सा भी टेक्स्ट लिखने के लिए, किसी भी फॉर्मूले, ठीक, कौन सा भी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला ना हो, किसको ये ऐसा आपका मन से कुछ देना चाहते हैं तो, आ गया, हाँ, मतलब वो जिसे मेरा झोल वगैरह था, जीरो या झोल, हाँ, उल्टा उल्टा कर दिया, यहाँ पे फ्री हो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसका कंडीशन ही बदल देता हूँ, लेस देन तो पे है तो दे फ्री है। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है सर।
हम्म